सो गाइस, लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसको दिमाग में रख लो प्लीज ना। उन चीजों को दिमाग में रखोगे तो कि ये छोटी छोटी, मुझे पता है बहुत छोटी छोटी बातें, पर अगर आपका भाई एज अ दोस्त होने के नाते मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमारा लास्ट तक ट्राई चलता रहेगा, लास्ट मोमेंट तक गाइस हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना गाइस, ये रूल को जरूर फॉलो करेंगे। तो गाइस मैंने देखो डायग्राम आप सभी को बोला था, एक डायग्राम वाला मैंने वीडियो गिरी ट्यूटोरियल पे डाला है, उसमें जो जो रूल्स मैंने बताया, जो जो चीजें बताई है, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके एक बार वीडियो देख लेना। नहीं तो डायग्राम आप उस तरह से नहीं ड्रॉ करोगे ना, रूल्स वाइज ड्रॉ नहीं करोगे तो बिना मतलब के मार्क्स कट हो जाएंगे। देन इसके बाद गाइस मैंने बताया था अगर ब्रीफ क्वेश्चन आपको नहीं आता तो भी लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आता तो उससे रिलेटेड आपने डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया तो अगर आपको ब्रीफ क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके डायग्राम बना दो और उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जो लेवलिंग में जो आपको नाम दिख रहा है उससे रिलेटेड बना दो। और गाइस ब्रीफ में फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आगे बताता हूं, एमसीक्यूज ट्राई करो गाइस, ट्राई करो कि एमसीक्यूज ओके या 1 मार्क्स से क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, उसमें पूरे के पूरे अपने को 10 के 10 मार्क्स लाना है, ये ट्राई जरूर करना और ये दिमाग में फिट रखना कि भाई एमसीक्यूज में गड़बड़ नहीं होगा। जो मैंने बताया था बहुत सारे और बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज में ऑप्शंस बाद में पहले लिख देते हैं और बाद में उनको पता चलता है तो कट करके फिर से लिखते हैं, तो जिसमें आपको लग रहा है कि गड़बड़ है उसको रोक के रखो, बट लास्ट में भूल मत जाओ, लास्ट में पेपर जरूर चेक करो। और पेपर चेक करने से पहले टाइम आप देख लोगे भाई कहीं मैं भूल तो नहीं गया था, और लास्ट टाइम तक अगर आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी लिख देना, तब ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास। फिर गाइस मैं बात करता हूँ स्टेंसिल, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्टेंसिल साथ में लेके जाना है, क्योंकि जो भी डायग्राम होगा इसका यूज करके आपको बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से फटाक से हो जाएगा। देन पेंसिल डार्क यूज करना, क्योंकि इसमें बायोलॉजी वाले पार्ट में, बायो वाले पार्ट में आपके लिए डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डार्क पेंसिल रखना बहुत जरूरी है। गाइज मैंने बार बार बताया कि पॉइंट्स में आंसर रखना, फिर भी बहुत स्टूडेंट पॉइंट में आंसर नहीं रखने, पॉइंट में आंसर रखना और हर आंसर के बीच में क्या रखना, पूरा आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का ए लिखा, फिर एक लाइन का गैप करना है, एक लाइन खींचना है, ये सभी चीजें मैंने पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बताई है। चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका नहीं हो पाया है, इनकेस वो चैप्टर स्किप हो गया है, मैं तो आपको बोलूंगा कि एक भी ऐसा चैप्टर मत करो कि वो जो आपके दिमाग पे से एक बार गुजरा ना हो। जो चैप्टर स्किप हो रहा है, मैंने बताया था कि चैप्टर स्किप हो रहा है तो एटलीस्ट उसके एमसीक्यूज कर लो, डायग्राम कर लो, ये स्टेटमेंट मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जिसका भी अगर छूट रहा है उसके एमसीक्यूज 1 मार्क्स से क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स हो जाना चाहिए। देन इसके बाद गाइस पेपर लास्ट बोल रहा हूँ, जितने भी पॉइंट लिख रहे हो नीट और क्लीन रखो, अगर नीट और क्लीन रखोगे ना तो पक्का बोल रहा हूँ आपका जहां जहां हाफ ऑफ मार्क्स कट होने वाला बिल्कुल नहीं कटेगा। तो गाइस पेपर लिखने के टाइम, पेपर के पहले ये सभी बातें आपको दिमाग में जरूर रखनी है और जो चीजें आपके दोस्त ने बताया वो दिमाग में एकदम फिट कर लो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जम के पढ़ो एंड कल मैं आपका वेट करूंगा कि आप, क्योंकि वेट तो करना ही है ना भाई, क्योंकि इतना ज्यादा हार्डवर्क किया गया है तो लास्ट टाइम आप क्या क्या होता है, पर सब अच्छा होगा। अपने प्रदीप गिरी अपडेट के जितने दोस्त है ना सबका रिजल्ट मस्त धमाकेदार आने वाले, क्योंकि अपने वो फोटो लगाना है गाइस। थैंक यू सो मच, जय हिंद।